कैसी होगी सन 2000 की तस्वीर? क्या अचानक सब कुछ बदल जाएगा? ये पेंटिंग्स भी इस प्रश्न पर ही विचार कर रही हैं। आर्ट शो ऑफ द मिलेनियम नामक इस प्रदर्शनी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली मुख्य अतिथि के तौर पर कला के इस रुझान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर पेंटिंग्स भी तो सदियों से सूचना संचार का सशक्त माध्यम रही हैं। आई कैन नॉट क्लेम टू बी एनी ग्रेट क्रिटिक और कॉमेंटेटर ऑन आर्ट, बट एज एन ऑर्डिनरी पर्सन हु लाइक्स टू अप्रिशिएट गुड थिंग्स, आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट एग्जीबिशन। प्रदर्शनी अपने माध्यम से कुछ वरिष्ठ समकालीन चित्रकारों के जरिए आने वाली तस्वीर की रूपरेखा उतार रही है। मंदिरों में घंटियां अब भी वैसी ही बजती हैं। चेहरे का तनाव खिंचाव वैसा ही है। कला रफ्तार इन चीजों को ग्रहण करती है, सिर्फ एक तारीख बदलने से इन्हें छोड़ नहीं देती। वो एक तारीख बदलने से जो कला की प्रोसेस है, चाहे वो 1000 एडी था या 2000 एडी आ रहा है या 3000 एडी होगा, तो जो कला का प्रोसेस है या उसकी खोज है वो तो वही रहेगी। ये डिपेंड कर रहे हैं पेंटर्स की अपनी स्टाइल के ऊपर। अगर इनकी कंट्रोल है एब्स्ट्रक्शन के ऊपर, वो उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही पर्सनल चीज़ है ना। क्योंकि एक स्टाइल अपनाने में बहुत टाइम लगता है, एक टेक्निक सीखने में बहुत टाइम लगता है। इस प्रदर्शनी का मकसद ये नहीं था कि तस्वीर क्या होगी, बल्कि ये कि तस्वीर क्या है। एमएफ हुसैन, अर्पणा कौर, संजय भट्टाचार्य और सतीश गुप्ता जैसे कलाकार ये बता भी रहे हैं। इसमें भारत की पारंपरिक रुझान की भूमिका ही अंततः मुख्य है। सारी दुनिया में एक एब्स्ट्रैक्ट वेव चल रही थी, फिर भी हिंदुस्तानी काम फिगरेटिव रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये फिगरेटिव ही रहेगा। जो भी हो, आर्ट एक ऐसी चीज है जो हमेशा समाज और सामाजिक यथार्थ को प्रतिबिंबित करती है। नई सदी का सच अचानक कैसे बदल सकता है,